दोस्तों जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा। बेसिकली उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप विंडोज 11 के ऑफिशियल ISO इमेज को कहां से और कैसे डाउनलोड करेंगे, वो भी बिना इनसाइडर प्रोग्राम को ज्वाइन किए हुए। तो वो वीडियो दोस्तों आप पहले देख लेना और वो देखने के बाद वापस आप इस वीडियो पे आ जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस ISO इमेज से आप कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे, उसके बाद से आप अपने लैपटॉप या फिर PC में विंडोज 11 को कैसे इंस्टॉल करेंगे। विंडोज 11 का पूरा इंस्टॉलेशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए आप इसको लाइक करना, इसको शेयर करना। अगर दोस्तों ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके विंडोज 11 के ISO फाइल को डाउनलोड कर लिया है तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप उस ISO इमेज से अपने किसी भी पेन ड्राइव को विंडोज 11 का बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाएंगे। फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप या फिर PC में विंडोज 11 को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद ऊपर यहाँ एड्रेस बार में जाके आपको टाइप करना है RUFUS, रिफर्स लिख के आपको यहाँ पे इंटर करना है। सबसे ऊपर ही आपको रिफर्स का वेबसाइट दिखेगा, इस पे क्लिक करके आपको इसके वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसका लिंक दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद अब आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा और इसी के नीचे इसका जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो आपको दिख जाएगा। ये सिर्फ 1 MB का फाइल है, पहले आपको इसके फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद से दोस्तों अब आपको इसको ओपन करना है। ये आपको डाउनलोड फोल्डर में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरे डाउनलोड फोल्डर में अब आपको देखने को मिलेगा rufus.exe का फाइल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस exe फाइल पे डबल क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। ये ओपन होने के बाद से दोस्तों अब आपको अपने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप या फिर अपने PC में लगाना है, जो मिनिमम 8 GB का होना चाहिए। जैसे ही आप अपने पेन ड्राइव को लगाएंगे यहाँ पे देखिए रिफर्स ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट कर लेगा। मेरा पेन ड्राइव 16 GB का है। पेन ड्राइव डिटेक्ट करने के बाद से अब दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग करना है। यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा बूट सिलेक्शन का। आप जब इस रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, नॉन बूटेबल, फ्री डॉस, डिस्क और ISO इमेज। इसमें दोस्तों हमेशा ये तीसरा ऑप्शन डिस्क और ISO इमेज सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद से इसी के आगे देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट का बटन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है और आपने विंडोज 11 के ISO फाइल को अपने कंप्यूटर पे जिस भी लोकेशन पे सेव किया है वहां से सिलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद से यहाँ पे ऑप्शन है इमेज ऑप्शन, इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है पार्टीशन स्कीम, इसमें दोस्तों हमेशा GPT होना चाहिए, इसके अंदर MBR नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि विंडोज 11 सिर्फ GPT यानी कि UEFI को सपोर्ट करता है। अगर आपके हार्ड डिस्क का पार्टीशन MBR है तो MBR को GPT में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आने वाले कुछ दिनों में मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। ये सारा सेटिंग करने के बाद से नीचे देखिए यहाँ पे स्टार्ट का बटन दिया है, सिंपल आपको यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और दोस्तों ये पॉपअप मैसेज आपको दिखाई देगा जिसमें लिखा है कि आपके पेन ड्राइव के अंदर जो भी डेटा है वो सारा इरेज हो जाएगा। तो पेन ड्राइव लगाने से पहले अगर उसके अंदर आपका कोई भी इंपोर्टेंट डेटा है तो उसको आपको अपने ड्राइव में शिफ्ट कर लेना है, मूव कर देना है, फिर आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों अभी आप देखेंगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर अंदर आपका पेन ड्राइव विंडोज 11 का बूटेबल पेन ड्राइव बनकर तैयार हो जाएगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद से दोस्तों ये पॉपअप मैसेज आएगा, इसको क्लोज कर देना है, इसे भी आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। हमारा पेन ड्राइव विंडोज 11 का बूटेबल पेन ड्राइव बनकर तैयार हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि विंडोज 11 को अपने लैपटॉप या फिर PC में कैसे इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों विंडोज 11 को इंस्टॉल करने से पहले आपको यहाँ पे 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपका लैपटॉप चार्ज में लगा होना चाहिए। नंबर 2, अगर आपके कंप्यूटर के सी ड्राइव में, डेस्कटॉप पे, डाउनलोड फोल्डर, डॉक्यूमेंट फोल्डर, पिक्चर या फिर वीडियो फोल्डर, अगर यहाँ पे आपका कोई भी डेटा है तो आपको उन सभी डेटा को वहां से हटाकर किसी दूसरे ड्राइव में रख देना है, अदरवाइज आपका वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों विंडोज 11 सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा और ये सारा लोकेशन सी ड्राइव के अंदर ही आता है। अगर आपका डेटा डी ड्राइव, ई या फिर एफ ड्राइव में है तो वो आपका सारा डेटा वैसे के वैसे ही रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद से दोस्तों आपने जिस भी पेन ड्राइव को विंडोज 11 का बूटेबल पेन ड्राइव बनाया था, अब आपको उसे अपने कंप्यूटर में लगाना है। और अगर आपका कंप्यूटर ऑन है तो आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट या फिर शटडाउन कर देना है। अगर आपका कंप्यूटर ऑफ है फिर दोस्तों आपको यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करना है, उसके बाद से आपको अपने बूट की को 3-4 बार प्रेस करना है। दोस्तों हर कंपनी के लैपटॉप या फिर पीसी का बूट की अलग अलग होता है, तो अगर आपको नहीं पता है कि आपके लैपटॉप या फिर पीसी का बूट की क्या है तो ये आपको गूगल पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये मेरा लैपटॉप दोस्तों लेनोवो का है, तो मैं यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करूंगा, उसके बाद से F12 बटन को मैं 3-4 बार प्रेस करूंगा। अगर दोस्तों आपका लैपटॉप HP का है तो आप पावर बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद से आपको F9 बटन को 3-4 बार प्रेस करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने पावर बटन को प्रेस किया, उसके बाद से अब मैं यहाँ पे F12 बटन को 3-4 बार प्रेस करता हूँ और यहाँ पे देखिए बूट मैनेजर का पेज ओपन हो जाएगा। बूट मैनेजर के इस पेज पे दोस्तों आप देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है विंडोज बूट मैनेजर, दूसरा ऑप्शन है EFI USB डिवाइस सैंडिस्क, तीसरा है साटा HDD और चौथा है USB HDD सैंडिस्क। ये सैंडिस्क दोस्तों पेन ड्राइव का नाम है, लेकिन यहाँ पे देखिए पेन ड्राइव दो जगह पे शो कर रहा है। आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जिसके साथ EFI लगा हुआ है उसी ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये दूसरा ऑप्शन है EFI USB डिवाइस सैंडिस्क, इसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे इंटर करना है। अभी कुछ ही देर के अंदर आप देखेंगे विंडोज 11 का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। ये दोस्तों लैंग्वेज का पेज है, तो आपको यहाँ पे सिंपल देखिए नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, आपको यहाँ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है और सेटअप यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इस पेज पे दोस्तों प्रोडक्ट की मांग रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपको प्रोडक्ट की को इंटर नहीं करना है। यहीं पे नीचे देखिए आपको ऑप्शन दिखेगा आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, आपको इस पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे इसको चेक मार्क कर देना है आई एक्सेप्ट द माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको ये दूसरा ऑप्शन कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली पे क्लिक करना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपके हार्ड डिस्क में जितना भी पार्टीशन होगा, जितना भी ड्राइव होगा, उसका पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि आपको यहाँ पे हमेशा सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे दूसरा ड्राइव सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे फिर उस ड्राइव में जो भी डेटा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा भी कंफ्यूजन लगता है कि सी ड्राइव कौन है, फिर आपको यहाँ पे अपने पेन ड्राइव को निकालना है, अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है और पहले आपको कंफर्म कर लेना है कि सी ड्राइव कौन सा है, फिर आपको ये सेटअप स्टार्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद अब यहीं पे नीचे देखिए आपको फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। आपका सी ड्राइव यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। सी ड्राइव फॉर्मेट होने के बाद अब यहाँ पे नीचे देखिए आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा यहाँ पे 0% से लेकर 100% होगा, उसके बाद यहाँ पे फीचर इंस्टॉल होगा, अपडेट इंस्टॉल होगा, उसके बाद फिनिश होने के बाद आपका लैपटॉप या फिर पीसी यहाँ पे रीस्टार्ट होगा। जैसे ही आपका लैपटॉप या फिर पीसी रीस्टार्ट होगा आपको अपने बूटेबल पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर से बाहर निकाल देना है, अदरवाइज दोबारा सेटअप का पेज आ जाएगा। अभी दोस्तों आप यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, फीचर इंस्टॉल हो गया, अपडेट इंस्टॉल हो गया, उसके बाद से ये फिनिश होगा। जैसे ही आपका कंप्यूटर यहाँ पे रीस्टार्ट होगा आपको अपने पेन ड्राइव को कंप्यूटर से बाहर निकाल देना है और आपको ऐसे ही 5-7 मिनट छोड़ देना है, ये प्रोसेस चलेगा। उस दौरान आपका कंप्यूटर 2-3 बार यहाँ पे रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होने के बाद से सेटिंग का पेज ओपन होगा, वहां पे कुछ सेटिंग करना होगा, उसके बाद से विंडोज 11 का डेस्कटॉप आपको देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों सेटिंग का ये पेज ओपन होगा, ये पेज कंट्री एंड रीजन का है, यहाँ पे आपको कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है इंडिया को, यहाँ पे मैं थोड़ा और स्क्रॉल करके जाता हूँ, यहाँ इंडिया है, इंडिया को सिलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ यस पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ यस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको स्किप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन है तो आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा आई डोंट हैव इंटरनेट, आपको इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको यूजर नेम डालना है, आप जो भी यूजर नेम डालना चाहते हैं वो यूजर नेम डालना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर पासवर्ड डालना चाहते हैं तो पासवर्ड आप यहाँ पे अपना सेट कर सकते हैं, पासवर्ड डालने के बाद से आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे कुछ ही देर के अंदर विंडोज 11 का डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा।
तो ये रहा दोस्तों विंडोज 11 का फर्स्ट लुक। आप इसका डिजाइन देख सकते हैं, विंडोज 10 से बिल्कुल अलग है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। अब यहाँ पे दोस्तों दो तीन चीजें आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे देखिए आपको टास्क बार में जो विंडोज 11 का लोगो दिख रहा है, एक्चुअली ये स्टार्ट बटन है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारा एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो पावर का बटन दिया है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टार्ट और शटडाउन मिल जाएगा। अपने यूजर नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यूजर नेम के अंदर लॉक साइन आउट और यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, अकाउंट में जा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।